गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोसॉक। हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम टॉपिक को पढ़ने से पहले साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। हम बात करेंगे जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स डेवी वॉटसन का जन्म शिकागो में 6 अप्रैल 1921 को हुआ था। 1947 में इन्होंने जो BSc की डिग्री प्राप्त की। इस वर्ष के दौरान इनकी रोज बच्चों को देखते रहना था, इसी इंटरेस्ट ने इन्हें जेनेटिक्स पढ़ने की इच्छा बढ़ा दी। यह तभी संभव हो सकता है जब इन्हें ब्लूमिंगटन में इंडियन यूनिवर्सिटी ने जूलॉजी में ग्रेजुएशन स्टडी करने के लिए फेलोशिप दी। इस यूनिवर्सिटी से ही इन्हें बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन पर हार्ड एक्सरे के प्रभाव पर कार्य करने के लिए 1950 में PhD की उपाधि दी गई। आप क्रिक से मिले तथा DNA स्ट्रक्चर की सॉल्विंग में अपने कॉमन इंटरेस्ट को खोज निकाला। आपका पहला सीरियस इफेक्ट संतोषजनक नहीं था। इनका दूसरा एफर्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर अधिक आधारित था तथा इसे न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर का भली प्रकार से सम्मान प्राप्त हुआ। इसके फलस्वरूप मार्च 1953 को कम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फिग्रेशन का प्रस्ताव सामने आया। फ्रांसिस हैरी कैम्पटन क्रिक का जन्म 8 जून 1916 में नॉर्थम्पटन इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिजिक्स का अध्ययन किया तथा 1937 में BSc की उपाधि प्राप्त की। 1954 में इन्होंने PhD का कार्य समाप्त किया। इनकी थेसिस का टाइटल एक्सरे डिफरेंशिएशन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन था। क्रिक के कैरियर में यदि किसी प्रकार का प्रभाव उन पर पड़ा तो वह जेम्स डेवी वॉटसन से उनकी मित्रता थी। यंग मैन उम्र 23, वॉटसन ने 1953 में DNA तथा रेप्लिकेशन स्कीम के लिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का प्रपोजल दिया था। क्रिक को 1959 में FRS से सम्मानित किया गया। वॉटसन तथा क्रिक के होनर्स में शामिल हैं 1959 में जॉन कॉलिंस वैरन प्राइज, 1960 में लस्कर अवार्ड, 1962 में द रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज, 1962 में नोबेल प्राइज। आइए हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। आपने कभी सोचा है कि एलिफेंट हमेशा बेबी एलिफेंट को ही जन्म क्यों देता है, किसी अन्य एनिमल को क्यों नहीं? मैंगो के सीड से केवल मैंगो प्लांट ही उगता है और अन्य क्यों नहीं? ऑफ स्प्रिंग यानी संतानें अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है, पर क्या ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल होती है या उनके गुणों में कुछ अंतर दिखते हैं? आपने कभी आश्चर्य किया है कि सिबलिंग कभी एक जैसे या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखते हैं? जेनेटिक्स में अनेक प्रकार के क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस तथा वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। इनहेरिटेंस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कैरेक्टर माता पिता से संतानों में जाते हैं या हेरिडिटी का आधार है। वेरिएशन माता पिता तथा संतानों के कैरेक्टर में अंतर वेरिएशन कहलाता है। मनुष्य को 800 से 1000 BC पूर्व यह पता चल चुका था कि वेरिएशन का कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा है। मनुष्य ने प्लांट्स तथा एनिमल की वाइल्ड पॉपुलेशन में पाई जाने वाली नेचुरल वेरिएशन को एक्सप्लॉयट किया तथा लाभदायक कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर ब्रीडिंग कराई तथा उनसे डिजायरेबल कैरेक्टर को प्राप्त किया। एग्जाम्पल, एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ से हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन तथा डोमेस्टिकेशन द्वारा अच्छी इंडियन ब्रीड प्राप्त कर ली, जिसे साहीवाल काउ इन पंजाब। हमारे पूर्वज को कैरेक्टर के इनहेरिटेंस तथा वेरिएशन के बारे में पता था, लेकिन उनको इन फिनोमिना के साइंटिफिक आधार के बारे में बहुत कम जानकारी थी। हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। तो मिड 19th century में इनहेरिटेंस को समझने के संबंध में प्रगति आई। ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन पीपल 7 ईयर्स यानी 1856 टू 1863 तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए तथा लिविंग ऑर्गेनिज्म में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रस्तावित किया। स्टेटिकल एनालिसिस तथा मैथमेटिकल लॉजिक का बायोलॉजी की समस्याओं के समाधान हेतु सबसे पहले मेंडल ने प्रयोग किया। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में लार्ज सैम्पलिंग साइज ने उनके कलेक्टेड डाटा को विश्वसनीयता प्रदान की। मेंडल द्वारा टेस्ट प्लांट के सक्सेसिव जनरेशन पर किए गए एक्सपेरिमेंट तथा उनके सफल रिजल्ट ने प्रूव किया कि मेंडल के इनहेरिटेंस रूल में व्यापकता थी और वे केवल अंतुष्ट विचार नहीं थे। मेंडल ने पी प्लांट के उन करेक्टर पर विचार किया जो अपोजिट ट्रेट वाले थे, जैसे टॉल या डॉर्फ प्लांट, येलो या ग्रीन सीड्स। इसके कारण
मेंडल को इनहेरिटेंस गवर्निंग रूल के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करने में सहायता मिली। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे एक्सपांड किया, जिससे सभी डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन तथा उनकी कम्प्लेक्सिटी का स्पष्टीकरण किया जा सका। मेंडल ने कई ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस को लेकर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन जैसे एक्सपेरिमेंट किए। ट्रू ब्रीडिंग लाइन वह है जो कई पीढ़ियों तक सेल्फ पॉलिनेशन के फलस्वरूप स्टेबल ट्रेड इनहेरिटेंस को दर्शाता है। मेंडल ने 14 प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट वैराइटीज को सिलेक्ट किया अथवा 7 पेयर कॉन्ट्रेस्टिंग करेक्टर को लिया। मेंडल द्वारा कुछ सेलेक्टेड कॉन्ट्रेस्टिंग करेक्टर टेबल 5.1 में दिए गए हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पूरा रिवाइज करेंगे। तो अगर स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।